नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है नेशन नेट 10 खबरों का। सबसे पहले खबर जस्टिस संजीव खन्ना से जुड़ी हुई। जस्टिस संजीव खन्ना का शपथ ग्रहण समारोह आज है। 51वें सीजेआई के तौर पर शपथ लेंगे जस्टिस संजीव खन्ना। राष्ट्रपति भवन में समारोह का आयोजन हो रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शपथ दिलाएंगे। फिलहाल ये खबर सामने आ रही है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यानी महामहिम इस वक्त पहुंच चुकी हैं इस समारोह में और पीएम मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। तो समारोह में इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद बताए जा रहे हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी समारोह में पहुंचे हुए हैं और समारोह में कई अन्य खास लोग भी शामिल हैं। तो संजीव खन्ना क्योंकि 6 महीने के लिए कार्यकाल संभालेंगे, शपथ ग्रहण समारोह आज 51वें सीजेआई के तौर पर वो लेंगे और द्रौपदी मुर्मू की ओर से ये शपथ दिलवाया जाएगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, स्टैंडिंग ओवेशन दिया जा रहा है और साथ ही क्योंकि महामहिम द्रौपदी मुर्मू इस वक्त पहुंची हुई हैं और राष्ट्रपति के पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद थे। साथ ही ये जानकारी हम आपको दे दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पहुंचे हुए हैं और बीते कुछ दिनों पहले ही सीजेआई जो कि डीवाई चंद्रचूड़ ने जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और वो भी इस कार्यक्रम में इस वक्त शामिल बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल देखिए लगातार ये तस्वीरें हम आपको सीधे तौर पर लखनऊ से राष्ट्रपति भवन से दिखा रहे हैं जहां पर कैसे राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना, I Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, to swear in the name of God, do swear in the name of God, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the constitution and the laws, and that I will uphold the constitution and the laws. फिलहाल ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है और 51वें सीजेआई के तौर पर शपथ ले चुके हैं संजीव खन्ना। द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलवाई और अब हस्ताक्षर के साथ ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि जस्टिस संजीव खन्ना आज के दिन देश के 91वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। 51वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अब अपना बहुत जल्दी कार्यभार वो संभालेंगे भी, लेकिन आज शपथ ग्रहण समारोह जो आयोजित हुआ था ये संपन्न फिलहाल किया गया है, यानी कि शपथ दिलवा दी गई है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए। तो शपथ ग्रहण समारोह के संपन्न होने की भी घोषणा कर दी गई। फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जस्टिस संजीव खन्ना 51वें देश के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। 6 महीने का ये उनका कार्यकाल रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ही राष्ट्रपति भवन में उन्हें
पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जस्टिस खन्ना को सेवानिवृत्त हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की उन्होंने जगह ली है। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा। जस्टिस खन्ना चुनावी बॉन्ड योजना खत्म करने और अनुच्छेद 370 निरस्त करने जैसे ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रह चुके हैं। बतौर सीजीआई लंबित मामलों की संख्या घटाना और न्याय में तेजी लाना उनकी प्राथमिकता होगी, ये उनके ओर से पहले से ही कहा गया, संकेत दिया गया था। साथ ही देखिए जानकारी आपको दे दे कि जिस तरीके से दिल्ली के प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस संजीव खन्ना तीसरी पीढ़ी के वकील रहे हैं, ऐसे में उन्होंने न्यायाधीश बनने से पहले अपने करियर की शुरुआत 1983 में 30,000 कोर्ट में वकालत करने के साथ में की थी और यहां से वो प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में भी वकालत की और अब अगले 6 माह तक देश के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी वो संभालेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें शपथ ग्रहण समारोह के भीतर के हम आपको दिखा रहे हैं, जब महामहिम द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के इस दीर्घा में पहुंची जहां पर शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उससे पहले ही यहां पर मौजूद थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बड़े और दिग्गज नेता यहां मौजूद थे। लेकिन इस बीच अब देखिए सबसे पहले अनुमति ले गई द्रौपदी मुर्मू की और उसके बाद उनकी अनुमति मिलने के बाद शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हुई और फिर द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलवाए संजीव खन्ना को, जो कि सीजीआई के तौर पर 51वें सीजीआई के तौर पर अब बहुत जल्द वो अपना कार्यभार भी संभाल लेंगे। तो आज शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है और देश को 51वें न्यायाधीश मिल चुके हैं। तो 6 महीने तक का यह कार्यकाल संजीव खन्ना का रहने वाला है। फिलहाल संजीव खन्ना से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां भी हम आपको दे रहे हैं और साथ ही साथ संजीव खन्ना अब क्योंकि सीजीआई के तौर पर अपनी भूमिका अदा करेंगे।